नगर परिषद बिलासपुर को 4 माह पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया 1.25 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। नगर परिषद द्वारा कूड़ा गोविंद सागर झील के किनारे सरेआम फेंकने की वजह से हो रहे प्रदूषण के चलते नगर परिषद पर कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते तुरंत प्रभाव से प्रदूषण बोर्ड की ओर से नगर परिषद को 1.25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया था, परंतु नगर परिषद के अधिकारी इस जुर्माने को भरने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ऐसे में प्रदूषण बोर्ड एक बार फिर से नगर परिषद को रिमाइंडर लेटर देने जा रहा है, जिसमें तुरंत प्रभाव से जुर्माना भरने के आदेश जारी किए जाएंगे। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अगर नगर परिषद ये जुर्माना नहीं भरती है तो प्रशासनिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर नगर परिषद की ओर से डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित किया जाता है, ऐसे में ये सारा कूड़ा एकत्रित करके नगर के लुहणु मैदान में फेंका जा रहा था और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जा रही थी। इस दौरान इसकी सूचना प्रदूषण बोर्ड को लगी और बोर्ड के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण में पाया गया कि नगर परिषद सरेआम नियमों की अवहेलना कर रही है और इससे यहां पर गंभीर बीमारी फैल सकती है, साथ ही गोविंद सागर झील भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ऐसे में बोर्ड की ओर से नोटिस पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना प्रदूषण बोर्ड को लगाए हुए 4 माह हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद बिलासपुर के अधिकारी इस जुर्माने को नहीं भर रहे हैं और न ही अधिकारियों के कान में कोई जूं रेंग रही है। अंततः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जुर्माना हेतु रिमाइंडर लेटर नगर परिषद को जारी करने जा रहा है, जिसमें तुरंत प्रभाव से जुर्माना भरने के आदेश जारी किए जाएंगे। रूटीन इंस्पेक्शन में पाया गया था कि सॉलिड वेस्ट की डंपिंग हो रही थी गोविंद सागर के बैंक्स पे, तो हमने इमीडिएटली हमारी टीम ने जाके उसका संज्ञान लिया था, शो कॉज नोटिस उसको जारी किया था ईओ को, ईओ एमसी बिलासपुर को, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ के अध्यक्ष हैं उपायुक्त महोदय जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ के चेयरमैन हैं एनजीटी मैटर्स में, उनको भी अवगत करा दिया गया था। और इसका संज्ञान लेते हुए हमने ईओ एमसी बिलासपुर को लगभग 1.25 लाख रुपए का एक जुर्माना इन्वायरमेंटल कंपनसेशन के तौर पे लगाया था, क्योंकि गोविंद सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटर बॉडी है, इसके बैंक्स में अनसाइंटिफिक डंपिंग हो रही थी। तो अभी तक तो वो जुर्माना हमारे कोई भी रकम या उसका चुकता करने का कोई एक्शन प्लान उनकी तरफ से नहीं आया है, तो उसको हमने रिमाइंडर एक जारी कर दिया है एमसी को, और नहीं आएगा तो फिर उसके बाद आगामी कार्रवाई हम उसमें